नमस्कार, जय गौ माता। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा यूट्यूब चैनल्स। देखिए, आज का विषय एक बहुत काफ़ी भारी मतलब विषय है और विषय का नाम है, हम जो जानते हैं वो अच्छा नहीं है फिर से क्यों करते हैं। ये विषय का नाम है, ठीक है। तो आप सोचेंगे वो कौन सा काम। देखिए, भारत पहले में जो था अभी वो बुरी तरह से ब्याज गियर पका के चली गई है, पीछे, बहुत पीछे, क्योंकि ये ध्वंस के अरब गति कर रहा है। जैसे हम जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम जा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण मैं बताना चाह रहा हूँ, हम पहले जानते थे, जो जान के वो काम फिर से कर रहे हैं, एक कारण है उसमें। हम एक जो बड़ी गलत कर रहे हैं उसका मैं विषय आज बताने जा रहे हैं। देखिए, जब भारत स्वाधीनता पाई 1947 में, उसके बाद पहले हमारा देश में बहुत देसी गाय थे, और जब 1965 पे बाद ज़्यादा दूध के चक्कर में हमारा देश अमेरिका, न्यूजीलैंड से जर्सी और एचएफ लाए, और हमारा पहले जो मिलिट्री कैंप में था साहिवाल को, साहिवाल गाय को, वो क्या किए ना, एचएफ के सीमेन से गाभिन किए। और उसके बाद देखे कि जो दूध आया वो एचएफ जो हमारा साहिवाल का बराबर नहीं था, तो ये गलत कर चुके। बाद में पता चला, न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर ने बताया कि जो एचएफ और जर्सी का जो दूध है वो A1 है, और जो भारतीय नस्ल का गाय जो है जिसका सूर्य केतु नाड़ी है पीठी के ऊपर में, वो A2 है, और जो A1 बहुत सी बीमारी पैदा करती है, और जो A2 दूध है भारतीय नस्ल गाय की वो रोग नहीं होने देता है। तो इसका हमको पता चलने के बाद जब हमारे देश से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे देश से हमारे देश से साहिवाल, गिर जैसे दुर्लभ नंदी और गोमाता को ले गए अपने देश को, तो हमने क्यों वही गलत की, अभी तक भी गलत चल रहा है। जिस भी बीएस डॉक्टर को पूछो, हमको साहिवाल गिर का सीमेंट चाहिए, जो नंदी जो गोमाता हमारे देश में है वो डॉक्टर को हम पूछने से वो बताता है कि वो सीमेंट हमारा पास नहीं है, वो जवाब थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे देश का परंपरा है, हमारे देश का जो गो संपत्ति, उनका सीमेंट नहीं मिल रहा है, विदेश का जो एचएफ और जर्सी उनका सीमेंट मिल रहा है। तो ये बात हमको पता चली तो बहुत दुख लगा। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डॉक्टर को पूछा हूँ, अरे भैया हमको जो साहिवाल और ग्रीक का सीमेंट चाहिए, थारपर का चाहिए, कांकरे, नहीं बोन में ही मिलता, और क्या मिलता है ना, जर्सी मिलता है और एचए मिलता है। तो हम उनको बताए, भाई वो तो A2 का, A1 मिल्की का होता है, वो बीमारी होता है, तो फिर से तुम सीमेंट क्यों चलाते हो ना, हम क्या करें, हमारा गवर्नमेंट वही कर रहा है। तो गवर्नमेंट कौन है, हु इज़ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम बनाते हैं, हमको गवर्नमेंट नहीं बनाता है। तो हमको आओ जागे, हम देश से एचएफ और जर्सी को पूरी तरह से मिटाए, और हमको देश को बर्बाद होते होते फिर से बचाए, ये हमारा संपर्क लेके हमने शुरू किया है हेल्पलाइन नंबर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देखेंगे ज़रूर, मैं सोचता हूँ, और जो भी आदमी इस वीडियो को देखो वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें डिस्प्ले होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि आप फिर से वही बढ़ावा नहीं देना चाहते रोग को। जितना भी अभी जेनेटिक रोग शुरू हुए वो सब इसी वजह से, A1 मिल के वजह से, जो विदेश से आने वाली जो रंगीन भैंस, जो जर्सी हो, जब उनका दूध पीने से ये सब जेनेटिक रोग चेंज हुई रोगों की। तो आप एक काम कीजिए, आप डिस्प्ले होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए और आपका सीमेन बुक कीजिए, आपको
जो भी गाय का देसी गाय का सीमेन चाहिए हम आपके पास पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और ये वीडियो देखने वाली भाई बहनों देशवासियों को मेरा निवेदन है, जो बात बुरा है फिर से वो बात मत करो, सुधर जाओ, जल्द से जल्द सुधर जाओ, नहीं तो हमारी एक दिन देश बहुत बर्बाद हो जाएगा, हमको शायद बचाते बचाते बहुत देर हो जाएगा। तो ये आप संकल्प लीजिए और जर्सी HF गाय का सीमेन गाय को, अपनी गाय को मत लगाइए, शायद आपको गाय का एक टाइम हीट या दो टाइम हीट मिस कर जाए। आप गलती से भी कभी मत HF और जर्सी का सीमेन नहीं लगाइए। ये हमारा आपको निवेदन है, आपको अनुरोध है, बोलो तो गौ माता के लिए हम आपका पैर में पड़ने के लिए भी तैयार है। आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप वो सीमेन कभी मत लगाइए। और आपको जो भी सीमेन देसी गाय का सीमेन चाहिए हम लगाइए, आपको पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट को गोली मारो, हम पहुँचाएंगे आपके पास। तो आप ये मेरा मन की बात सुनकर मैं सोचता हूँ आपको बहुत खुशी लगी होगी। तो आओ संकल्प करें, आज से HF जर्सी का सीमेन वर्जन करें और स्वदेशी की तरह लौटे, हमारे देश को गिरते गिरते बहुत ऊपर ले चले। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।